नमस्कार दर्शक बंधु मो भूषण आपण मानक स्वागत आपण माने देखछन आपण मानक प्रिय ओडिया यूट्यूब चैनल हसी हसाइबा। सो दर्शक बंधु ए वीडियो रे हम आलोचना करिवो स्किन एलर्जी रो घरे उपचार विषय रे। तो जदि आपण माने स्किन एलर्जी रे आक्रांत अछन्ति तो ताले ए वीडियो को प्रथम रु शेष जाय देखंतु आ जो माने स्किन एलर्जी रे आक्रांत नहांति से माने मध्ये ए वीडियो को प्रथम रु शेष जाय देखंतु। कहीं ना दर्शक बंधु एथिरे मु आपण मानक संपूर्ण रूपे स्किन एलर्जी रा कारण तार लक्षण एवं तार घर उपचार विषय में कही रखी। जदि आप इन फ्यूचर रे केबे भी आक्रांत होंती बा जो माने आक्रांत होती जदि आपण माने प्रथम रु शेष जाए ये वीडियो को माइंडफुली देखती ता सहित ये वीडियो रे जो सब प्रोसेस मुझे से प्रोसेस को आप फॉलो करती तो ताहले आपण माने 7 दिन रु नहीं 90 दिन भीतर आपण मानकर स्किन एलर्जी को आपण माने ठीक करि परिबे। सो दर्शक बंधु चलते आम जानापी चेष्टा करूँ स्किन एलर्जी रो कारण विषय। सो दर्शक बंधु आपण शरीर जिते प्रकार विषाक्त पदार्थ रही जिते सब टॉक्सिन रही से समस्त बाहर रास्ता हूँ दुईट रास्ता। प्रथम रास्ता है किडनी मध्यम परिस्रव द्वारा बाहर को जीवा। द्वितीय रास्ता है आपंकर चर्म रही स्किन मध्यम झाड़ बुड़ी बाहर को बाहर। बेसिकली ए दुईट रास्ता आम बडी जिते प्रकार टॉक्सिन विषाक्त पदार्थ अच्छी बाहर को बाहरी था। तो आपण को स्किन एलर्जी होबार कारण या जे जेतेबेले किडनी दुर्बल हो पड़े मीन्स किडनी जेतेबेले टॉक्सिन को बाहर करिया पई सक्षम हुए नी तो एक्जाक्टली सही समय रे कौन हुए ना स्किन माध्यम रे झाड़ बोड़ी बाहर को से सब टॉक्सिन बाहरी था स्किन द्वारा बाहर को बाहरी था झाड़ माध्यम रे। तो ऑब्वियसली आपण माने जानी पार्थो जेतेबेले किडनी सक्षम होउनी बाहर करिया पई तो बहुत प्रेशर पड़ुथो सेतेबेले स्किन उपरे। जेतेबेले एमिति प्रेशर पड़े स्किन उपरे टॉक्सिन को बाहर को बाहर करिया पई सेतेबेले कौन हुए ना एलर्जी हेता है। कहीं ना दर्शक बंधु स्किन रो जेतिके कैपेसिटी थिला सेतिके अनुसार से बाहर को बाहर करतुला झाड़ माध्यम रे। तो जेतेबेले बहुत प्रेशर पड़ुछि तो सेतेबेले स्किन एलर्जी होता है। ये तो थिला आपण मानको शरीर रो टॉक्सिन बाहर करी स्किन केमिति एलर्जी होता है। आउ गोटे एलर्जी आपण माने लक्ष्य करथिबे आपण कोनोसी खाद्य खाउछन्ती जोटा कि फूड एलर्जी कह जाए बा कोनोसी मेडिसिन खाइला फल जो एलर्जी हो जाए ये केमिति हुए से विषय भी आपण मानको कहि राखिबे। सो दर्शक बंधु आपण जेतेबेले भी कोनोसी खाद्य खाउछन्ती से खाद्य रे जे कोनोसी विषाक्त जिनस थाए तो सीए कौन हुए ना सी सब किडनी द्वारा बाहर को बाहरी था आउ स्किन द्वारा झाड़ बुड़ी बाहर था। जितेबाला से विषाक्त मात्रा बहुत थी तो किडनी भी सक्षम हो पार से सब बाहर करने जहाँफल स्किन द्वारा झाड़ पटे बाहरी था तो से भी स्किन उपर प्रेसर पड़ता है फल स्किन एलर्जी होता है। से आप कौन मेडिसीन खातु बा कौन खाद्य खातु जदि मेडिसीन खाला फल रिएक्शन होता है तो सेतेबेले भी एमती होता है। आउ जेतेबेले कोनोसी खाद्य खाउथन जदि से खाद्य रे बहुत मात्रा रे विषाक्त पदार्थ थाए तो सेतेबेले भी एमती होता है। सो दर्शक ए पर्यंत वीडियो देखिला परे आपण मानको बेसिक नॉलेज हे जाइतिबो जे आपण मानको स्किन एलर्जी काहे के होता है। तो चालंत एबे आमे जानि रखियो तार लक्षण विषय। सो दर्शक आपण माने लक्षण विषय जानिथिबे जो मानको स्किन एलर्जी प्रथम रु हेइथिबो आउ जो मानको हेइ नै तो सेमानको मु कहि रखिबे हटात आपणको स्किन कुंडेइबो आपण माने कुंडिया पई लागिबे जेतेबेले आपण कुंडीबे फड़ा 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 फुली जीवो बा फली जीवो आपण माने स्क्रीन उपरे देखि परुथबे जो सब कारण मु आपण मान कहली से सब कारण जेतेबेले देखा जाए तो आपण मानक पाखरे एमिति प्रकार स्किन एलर्जी हेइता। सो दर्शक चाहते एबे आमे जानि रखिबार घर उपचार विषय। ये घर उपचार मु आपण मानक केवल केवल दुईटी टिप्स कहिबे से टिप्स को आपण फॉलो करिवे किंतु ता पूर्वरु आपण मानक मु कहि रखिबी आपण मानक खाद्य तालिका एवं आपण मानक दिनचर्या को आपण माने फॉलो करिवे। आपण मानकर खाद्य तालिका एवं दिनचर्या को जदि आपण चेंज न करिवे बा परिवर्तन न करिवे तो ताहले आपण पाखरे देखा जाउथ जे कोनसी रोग से एलर्जी हो डायबिटीज हो हार्ट डिजीज हो किडनी फेलियर हो जिते प्रकार रोग रे आपण माने आक्रांत होंती से समस्त को जदि आपण ठीक करिया पय चाहौतांती तो ताहले आपण मानकर दिनचर्या एवं आपण मानकर खाद्य तालिका को आपण माने चेंज करिवे। तो केमिति चेंज करिवे से विषय केमिति जानिबे जदि आपण जानिया पय चाहौतांती ए जो आई बटन देखाउची एटी क्लिक करी आपण से वीडियो को देखि पारिबे। तो मुझे आपण कही रखी ये जो दिनचर्या खाद्य तालिका भिड कथा मुझे ए भिड को देखला आपण मैंने एक्जाक्टली सेम टू सेम से सब फॉलो करेंगे। फॉलो कलापर जी आप टिप्स करेंगे निश्चित आपण मैंने आक्रांत हो रोगर ठीक हो पारे। टिप्स नंबर वन कौन करेंगे ना गोटे के जी निम पत्र ने दर्शक बंधु आप स्क्रीन रूप देखी पार्थे गोटे के जी निम पत्र और 2 लिटर पा ने तो ये निम पत्र को पाने मिसेबे और गरम करेंगे से गरम करेंगे जितेबाला पा गोटे लिटर रही है गोटे लिटर पानी जितेबाला रही है बाहर करेंगे ताको छाणी से निम पत्र को बाहर करदे एवं से पानी को अलग करेंगे जितेबाला आप गाधे जीवे गोटे बाल्टी पानी ने पानी रे जो निम पत्र को आप प्रिपेयर करते गोटे लिटर जो बची से मिसेबे भलक मिक्स करेंगे मिक्स कलापर आप से पाने गाधोबे जदि आपण मान गाधोबार 2 बाल्टी पा लगे तो जो निम पत्र प्रोसेस को आप डबल करदे। सो दर्शक बंधु ये थी टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 रे कौन करेंगे गोटे ग्लास पानी नेबे
ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ହୋଇଥିବ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପଡ଼ିବେ, ଯଦି ଛୋଟ ଲେମ୍ବୁ ହୋଇଥିବ ଦୁଇଟି ଲେମ୍ବୁ ଚୋପଡ଼ିବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚୋପଡ଼ିବେ। ଚୋପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର ଟାୱେଲ୍ ନେବେ। ନେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର ସେ ଚୋପଡ଼ିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଟାୱେଲ୍କୁ ପୁରା ଭଲ କରି ଭିଜେଇବେ। ଭିଜେଇଲା ପରେ ସେ ଟାୱେଲ୍ରେ ଭଲ କରି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ପୋଛି ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଡ଼୍ ଏଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ ବା ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲା ଫଳରେ ଏଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ, ତ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜି ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗି ଆସୁଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 7 ଦିନରୁ 90 ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜିରୁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଛି, ଯଦି ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜିରୁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି କରନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜିକୁ କେମିତି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନ ଲାଗିଥିଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।